प्रयागराज से खबर, जहां मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है। ईडी कार्यालय में करीब 10 घंटे तक अफजाल से पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद अफजाल अंसारी का सरकार पर हमला, पूर्वांचल में हार का बदला ले रही है भाजपा। अफजाल अंसारी ने यह कहा है, मैंने ईडी के हर सवाल का जवाब दिया है। पूछताछ के बाद बाहर निकले अफजाल अंसारी ने मीडिया को जानकारी दी, कहा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछे गए सवालों का जवाब दिया। दरअसल बांदा जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास अंसारी के साथ मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया। आज प्रयागराज में 10 घंटे तक अफजल अंसारी ने से ईडी की टीम ने पूछताछ की। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे से उमर और अब्बास से कल ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। आज हुई पूछताछ के बाद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उनसे और उनके परिवार से पूर्वांचल में हार का बदला ले रही है, लेकिन जब जब ईडी बुलाएगी वो आकर अपनी बात रखेंगे। इस दौरान अफजाल अंसारी ने शायराना अंदाज में इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। प्रयागराज में अफजाल अंसारी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली है। ईडी की कार्रवाई पर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान भी सामने आया है। हार का बदला भाजपा सरकार ले रही है, ये कहना है अफजाल अंसारी का। जवाब का दौर था, उर्दू की पंक्तियां हैं, तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेजे नेजे को शाखे गुलाब कर दूंगा।